आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया कांवड़ यात्रा के तैयारियों की समीक्षा, सुरक्षा के साथ अन्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के दिए निर्देश। जनपद में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हंगामा करने वाले अज्ञात लोगों पर पुलिस ने दर्ज किया FIR। वीडियो फुटेज से हंगामा करने वालों की जा रही है पहचान, होगी कार्यवाही। पुलिस की तत्परता से तिवारीपुर पुलिस ने गुमशुदा बच्चे को महज 2 घंटे में किया बरामद। SSP ने पुलिस टीम की सराहना, पुरस्कार की घोषणा। फेसबुक व्हाट्सएप पर साइबर अपराधियों ने SSP की बनाई फर्जी आईडी बनाकर कर रहे हैं पैसे की मांग। SSP ने कहा, कोई पैसे मांगता है तो पुलिस को दे सूचना, होगी कार्यवाही। जनपद के 20 ब्लॉकों में से 17 ब्लॉकों पर भाजपा प्रत्याशियों ने निर्विरोध जीत का लहराया परचम। ADM फाइनेंस ने विजेता ब्लॉक प्रमुखों को दिया जीत का प्रमाण पत्र, कहा शेष 3 ब्लॉकों पर 10 जुलाई को होगा मतदान और मतगणना। भोजपुरी फिल्मों और गानों में अश्लीलता रोकने के लिए प्रदेश सरकार का कड़ा कदम, अब ऐसी फिल्मों पर नहीं मिलेगी सब्सिडी। सदर सांसद रवि किशन ने प्रदेश की योगी सरकार के फैसले का किया स्वागत, जताया आभार। चौरी चौरा थाना क्षेत्र में 2007 में डॉक्टर के मिश्रा अपहरण कांड में शामिल 50,000 रुपए के इनामी फरार अपराधी को पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। SSP ने कहा, विभिन्न थानों में दर्ज है मुकदमा, भेजा गया जेल। जनपद में शुक्रवार को जिला अस्पताल सहित 80 केंद्रों पर 19,598 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। CMO ने कहा, कोरोना से बचाव के लिए अवश्य लगवाएं टीका जीत का। गोरखपुर में शुक्रवार को मिला एक नया कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,411। अब तक 844 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 60 हुए एक्टिव मरीज। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नव नियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष के प्रथम जनपद आगमन पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, कहा युवा कार्यकर्ताओं के बल पर 2022 के विधानसभा चुनाव में जीतेंगे 350 सीट, भाजपा की दोबारा बनेगी सरकार। पहाड़ों पर हो रही बारिश से रोहिणी नदी खतरे के निशान से ऊपर, राप्ती और सरयू नदी स्थिर। बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर 24 घंटे कंट्रोल रूम से रखा जा रहा है नजर, बाढ़ चौकियां सक्रिय। कैंट पुलिस के हत्थे चढ़े 3 शातिर वाहन चोर, चोरी की 4 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी व 2 नाजायज चाकू किया बरामद, भेजा जेल। अग्रवाल भवन ट्रस्ट एवं आर्य नगर व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क वैक्सीनेशन कैंप का किया गया आयोजन। व्यापारी कल्याण बोर्ड के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार के सफल नीतियों के कारण ही लोगों का किया जा रहा है निःशुल्क वैक्सीनेशन, लोगों को मिल रहा है लाभ। कोरोना संक्रमण के खात्मे के लिए शासन के निर्देश पर लगाए गए नाइट कोरोना कर्फ्यू का शुक्रवार को भी देखने को मिला आंशिक असर। SPCT ने कहा, करें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन, रहें सुरक्षित। और शुक्रवार को हुई हल्की बारिश के बाद उमस भरी गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिन रुक रुक कर होगी बारिश, कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की है आशंका।